से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मिलावटी मसालों को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। 36,000 किलो मिलावटी मसाला जब्त किया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया में फूड डिपार्टमेंट ने छापेमारी की और छापेमारी में बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। कई कंपनियों पर फूड डिपार्टमेंट की छापेमारी देखने को मिली, छोटी चौपड़ पर भी छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली और ऐसे में आपको बताते चले 36,000 किलो मिलावटी मसाला जब्त किया गया है। तो आम आवाम की और आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। कभी खराब दवाइयां, एक्सपायर दवाइयां और मिलावटी दवाइयों का जांच की जा रही है। तो वहीं जयपुर से जानकारी मिली है कि मिलावटी मसालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और इंडस्ट्रियल एरिया में फूड डिपार्टमेंट ने यहां पर छापा मारा और जब छापा मारवाई की तो काफी चीजों का इंकशाफ यहां पर हुआ है कि किस तरह से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मिलावटी मसाला बाजारों में बेचा जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में फूड डिपार्टमेंट ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 36,000 किलो, अब अंदाजा लगाइए 36,000 किलो कितनी बड़ी तादाद में मिलावटी मसाला जब्त किया है, जो कि आम इंसान की सेहत के लिए यकीनी तौर पर नुकसानदायक है।